हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बीफ में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको रेगुलेटर टेस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ। ये फैन रेगुलेटर है जो मेरे हाथ में दिख रही है, ये कैसे चेक किया जाता है कि सही है या गलत है या सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सीरीज बोर्ड की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास पड़ी हुई है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको सीरीज बोर्ड बनाने का तरीका बता दिया हूँ, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि सीरीज बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कोई भी चीज़ चेक करने के लिए, कोई भी उपकरण टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये सीरीज लीड है, ये इसको सबसे पहले रेगुलेटर में दोनों वायर में जोड़ दिया जाता है। देखिए, मैंने जोड़ दिया इसको। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर को चेक करने का तरीका यही होता है दोस्तों, ये जोड़ दिए और सीरीज बोर्ड में मैं सप्लाई को दे दिया। देखिए दोस्तों, स्लो फास्ट करने पे बल्ब तेज़ जल रही है। देखिए, बंद हो गई, ये जीरो पोजीशन में मेरा रोटर है। अब एक नंबर पे है, देखिए बल्ब जल रही है थोड़ी सी, और दो नंबर पे उससे भी तेज़ जल रही है, और तीन नंबर पे उस दो नंबर से भी तेज़ जल रही है तीन नंबर पे, और चार नंबर फुल होता है जो बल्ब मेरी फुल हो गई, और पाँचवें नंबर पे बंद हो जाती है कोई भी रेगुलेटर। फिर से एक नंबर चालू हो जाता है दोस्तों, देखिए एक नंबर पे जल रही है, फिर ये जल रही है। इसका मतलब दोस्तों, ये रेगुलेटर बिल्कुल ठीक है। तो आइए फिर दूसरा रेगुलेटर चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा रेगुलेटर है मेरे हाथ में, इसमें भी वही काम करेंगे जो पिछले वाला रेगुलेटर के साथ किया था। इसको भी दोनों वायर को दोनों वायर में जोड़ देंगे और सीरीज की सप्लाई में लगाएंगे। ये भी रेगुलेटर ठीक है, देखिए ये काम कर रही है, एक दो तीन चार पे काम कर रही है, ये दोनों रेगुलेटर सही है। तो दोस्तों, ये दोनों रेगुलेटर ठीक है, मैं इसको अलग रख रहा हूँ। अब आइए, ये ख़राब रेगुलेटर है, इसको चेक करते हैं तो क्या होता है। देखिए बल्ब क्या इशारा कर रहा है, इसमें भी दोनों को एक साथ जोड़ेंगे जैसे पिछला रेगुलेटर में जोड़ा था, सेम उसी तरह। तो दोस्तों, इस रेगुलेटर को मैंने पंखे से निकाला है, पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा था, ये रेगुलेटर ख़राब ही है, इसीलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा जा रहा हूँ कि ख़राब रेगुलेटर का पोजीशन क्या होता है, कैसे सीरीज से किस तरह बताता है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने सीरीज में डाल दिया और सीरीज का दोनों वायर शॉर्ट करके देख ले रहा हूँ कि मेरा सीरीज काम कर रही है, मेरा सीरीज बिल्कुल ओके है। अब रेगुलेटर को मैं घुमा रहा हूँ, देखिए रेगुलेटर को मैं घुमा रहा हूँ, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है दोस्तों, बिल्कुल बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब हुआ ये सप्लाई आउट नहीं कर रहा है, बल्ब का दोनों वायर शॉर्ट करने पे बल्ब जल रही है, देखिए देखिए बल्ब जल रही है, लेकिन रेगुलेटर को ऑन करने पर ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, देखिए ये बिल्कुल नहीं काम, इसका मतलब है रेगुलेटर ख़राब है दोस्तों। अगर रेगुलेटर को ऑन करने पर बल्ब पूरा फुल जलता है तभी भी समझिए रेगुलेटर ख़राब है। रेगुलेटर से बल्ब को स्लो फास्ट होना चाहिए, जितना पॉइंट बढ़ाया जाए उतना फास्ट होना चाहिए बल्ब को, और जितना पॉइंट घटाया जाए उतना बल्ब को स्लो होना चाहिए, जब माना जाता है कि रेगुलेटर ठीक है, ये रेगुलेटर ख़राब है दोस्तों। तो ये रहा रेगुलेटर टेस्ट करने का तरीका दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल में अगर नए आप हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।